क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे हैंडल करेंगे बच्चों। इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसमें हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए करेंगे क्या, पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बच्चों देखो ध्यान से, बड़ा ही ईजी तरीका है पहचानने का। यहाँ पर इक्वल साइन दिया हुआ है और मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर x और y हो, या फिर राइट हैंड साइड में कोई नंबर हो या जीरो भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में x और y वाला टर्म होना चाहिए, इक्वल साइन होना चाहिए। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन या एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जिसका वर्किंग रूल एक ही लाइन का है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉरी, जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे पहले पावर दिखाई दे रहा है, पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो गया 2 साइन x, पावर हो गया डिफ्रेंशिएट। अब उसके बाद जब पावर को बंद करोगे ये 2 को, तो अब क्या दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है। साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस x। सिमिलरली यहाँ पे बच्चों देखो, जब हम इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है। स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 कॉस y, एक पावर रिड्यूस कर दी, दो में से एक रिड्यूस किया तो एक आया, इनटू अब पावर इसको बंद करेंगे तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, cos y, cos y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन y इनटू में y डैश। ठीक है बच्चों, इक्वल दिया है 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। सो बच्चों यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2x माइनस प्लस, ये ऐसे हैं, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस होता है, ये हो गया हमारा 2 cos y इंटू साइन y। इसको अरेंज कर लेते हैं, 2 sin y इंटू cos y इंटू y डैश इक्वल्स टू 0, ये हो गया sin 2x माइनस sin 2y इंटू y डैश इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, साइन 2x साइन 2y इंटू y डैश, y डैश की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा साइन 2x y साइन 2y, ये हो गया इसका आंसर।